सो हेलो व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, ये कोई माइनक्राफ्ट सर्वाइवल का एपिसोड नहीं है। गाइस ये वीडियो मैं बना रहा हूं अपने सब्सक्राइबर्स के डिमांड पर। गाइस मेरे कुछ ऐसे भी सब्सक्राइबर्स हैं जो कि मेरी तरह एक छोटे मोटे यूट्यूबर है, एंड गाइस वो लोग बहुत दिनों से बोल रहे हैं कि मैं अपने थंबनेल्स कैसे बनाता हूं, किस ऐप से बनाता हूं। तो गाइस मैंने सोचा चलो यार एक ट्यूटोरियल वीडियो बना ही देते हैं। तो यस गाइस आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि मैं अपने थंबनेल्स कैसे बनाता हूं, किस ऐप से बनाता हूं, ए टू जेड एकदम सब डिटेल्स में बताऊंगा। तो गाइस वीडियो को एंड तक दोस्तों देखते रहना, एंड हो सके गाइस प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि गाइस ये वीडियो मैं बस आप लोगों के डिमांड पर ही बना रहा हूँ। तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करके वो जो घंटा है उसको भी ऑल पर सेट कर लेना। एंड एक और बात गाइस, अगर इस वाली वीडियो पे लाइक्स आते हैं तो गाइस मेरा जो सर्वाइवल सीरीज का एपिसोड 1 है उसका थंबनेल मैंने कैसे बनाया उस पर भी एक ट्यूटोरियल वीडियो बना दूंगा, क्योंकि गाइस उस वाले वीडियो पर 11K प्लस व्यूज है। एंड गाइस मैं अगर आप लोगों को उस वाले वीडियो का CTR दिखाऊं तो यहां पर आप लोग देख सकते हो 12.2% मेरा CTR रेट है। गाइस मतलब अगर आपके वीडियो का क्लिक थ्रू रेट 10 भी हुआ ना तो उसको अच्छा माना जाता है, लेकिन गाइस यहां पर जो मेरा जो CTR रेट है वो 12 है, इसीलिए गाइस उस वाले वीडियो में 11K प्लस व्यूज है। एंड गाइस मैं आप लोगों को लास्ट में एक ऐसा फिल्टर बताने वाला हूं जिससे जो है आपका थंबनेल पर और भी 4 चांद लग जाएगा। तो गाइस वीडियो को एंड तक दोस्तों देखते रहना, एंड बहुत हो गया भाषण देना तो चलिए शुरू करते हैं। तू मेरी नकल करता है रादुंदा। तो गाइस ये जो है मेरे वर्ल्ड का एक कॉपी वर्ल्ड है, और गाइस आप पीछे जो गोल्ड फार्म देख पा रहे हो इसका मैं थंबनेल बना के दिखाने वाला हूँ। तो गाइस अगर आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच कर लेते हो तो गाइस आप लोग किसी भी प्रकार का थंबनेल बना सकते हो। मैं गाइस एग्जांपल के लिए गोल्ड फार्म का थंबनेल बना के दिखाने वाला हूं। तो गाइस सबसे पहले आपको एक अच्छा सा पोजीशन सिलेक्ट कर लेना है, एंड उसके बाद आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है। सो इसके बाद गाइस आपको एक चेस्ट लेना है और उस चेस्ट के अंदर उस फार्म का आइटम आपको भर देना है। लाइक जैसे गाइस मैं गोल्ड फार्म का थंबनेल बनाने वाला हूं तो गोल्ड फार्म से मुझे जो जो सामान मिलता है मैंने सब कुछ इसमें भर दिया है। और गाइस आप लोग अगर किसी और फार्म का थंबनेल बनाने वाला हो लाइक गाइस गन पाउडर फार्म का, तो आपको चेस्ट के अंदर बहुत सारे गन पाउडर्स रखने पड़ेंगे। आई होप गाइस आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आप लोग समझ गए हो तो फटाक से वीडियो को एक लाइक कर दो ताकि मैं भी समझ जाऊँ कि आप लोग समझ गए हो। कुछ तरीका है भीख मांगने का। तो इसके बाद गाइस हमें जाना होगा सेटिंग पे, और सेटिंग पे जाने के बाद गाइस हमें वीडियो वाले ऑप्शन पर जाना है। फिर थोड़ा सा स्क्रॉल करते ही हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा GUI स्केल मॉडिफायर। ये गाइस अगर आपका -1 में होगा तो आपको इसको 0 कर लेना है, और अगर ये 0 पहले से ही है तो बस रहने देना है। फिर गाइस देखना सब कुछ बड़ा बड़ा हो जाएगा। एंड इसके बाद गाइस हमें चेस्ट को खोल के वापस से एक स्क्रीनशॉट लेना है। ओके तो गाइस ये काम तो कंप्लीट हो चुका है, एंड इसके बाद गाइस हमें जाना होगा पिक्सल लैब एप्लीकेशन पर। और अगर आपके पास पिक्सल लैब ऐप नहीं है तो गाइस प्ले स्टोर पर वो अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस पिक्सल लैब एप्लीकेशन ओपन करने के बाद ये जो न्यू टेक्स्ट है इसको हमें गाइस डिलीट कर देना है। तो इसके बाद गाइस हमें यहां पर 3 डॉट पर क्लिक करना है, और यहां पर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा इमेज साइज, इस पर हमें क्लिक करना है, और ये जो है पहले से कस्टम होके रहेगा तो इसको कस्टम से हटा के हमें यूट्यूब थंबनेल पर लगाना है। फिर गाइस यहां पर एक प्लस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, और यहां से गाइस फ्रॉम गैलरी सिलेक्ट कर लेना है। देन गाइस सबसे पहले आपको चेस्ट वाली फोटो को ऐड कर लेनी है, एंड यहां से आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। फिर यहां पर नीचे राइट पर क्लिक कर देना तो आपकी फोटो जो है ऐड हो जाएगी। फिर गाइस फोटो को जूम करके जैसे मैं यहां पर कर रहा हूं इसको आप लोग अपने हिसाब से जूम कर लेना, तो मैं थोड़ा सा और कर लेता हूं तभी अच्छा लगेगा। ओके तो चलो मैंने यहां पर इतना सा जूम किया है इसको। तो गाइस इसके बाद आता है मेन काम। तो यहां पर जो बीच वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करके थोड़ा सा साइड में हम लोग स्क्रॉल करेंगे तो हमें एक ऑप्शन मिलेगा इरेजर, इस पर क्लिक करना। ओके तो गाइस अभी ये काम जो है थोड़ा सा ट्रिकी है, तो यहां पर हमें क्या करना होगा टेढ़ा सा एक कट लगाना होगा। तो मैंने गाइस यहां पर थोड़ा सा ज्यादा ही टेढ़ा कर दिया, तो मैं फिर से एक और कट लगा देता हूं, एंड ये अभी गाइस ठीक है। और ध्यान रहे गाइस ये जो कट आप लगाओ तो कट का लाइन जो एकदम सीधा होना चाहिए। ओके तो गाइस हमारी जो फोटो है वो कुछ इस तरह से बन के आ जाएगी। ओके तो गाइस फिर से हमें इस प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलेगा सेव्स, इस पर हमें क्लिक करना है। तो इसके बाद गाइस जैसे यहाँ पर मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ आप लोग भी बिल्कुल ऐसे ही इसको एडजस्ट कर लेना। तो इसके बाद गाइस हमें इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा लॉक, तो यहाँ पर लॉक कर देना है फोटो को ताकि ये जो फोटो है इधर उधर ना हिल जाए गलती से। तो इसके बाद गाइस ये जो लाइन है इसको हमें यहाँ पर टेढ़ा करके ये जो फोटो है इसके साइड में बिठाना है। तो जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ गाइस आप लोग भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही कर लेना, एंड इसको यहाँ पर साइड में बिठा लेना। ओके तो गाइस इसके बाद गाइस हमें फिर से प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, एंड यहाँ से फिर से फ्रॉम गैलरी सिलेक्ट करना है, और दूसरे वाले फोटो को भी ऐड कर लेना है। ओके तो गाइस फोटो को ऐड कर लेने के बाद इसको भी गाइस हमें खींच कर यहाँ पर बड़ा कर लेना है। तो इसको गाइस आप अपने हिसाब से यहाँ पर खींच के इसको बड़ा कर लेना है या फिर छोटा कर लेना। इसके बाद गाइस हमें फिर से इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और ये जो पहला फोटो है गाइस इसको हमें ड्रैग करके सबसे नीचे लाना है। ओके तो गाइस ये तो हो गया, एंड इसके बाद गाइस अगर आपको लगे कि आपका फोटो ठीक से बैठा नहीं है तो आप फिर से गाइस इसको एडजस्ट करके अच्छे से बिठा लेना।
ओके तो गाइज मैंने यहाँ पर इसको एकदम परफेक्टली लगा दिया है एंड फिर से गाइज हमें इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस वाले फोटो को भी लॉक कर देना है ताकि ये भी गलती से ना हिल जाए। तो नेक्स्ट गाइज हमें ये जो लाइन है इस पर क्लिक करना है एंड साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल करना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा स्ट्रोक, तो इसको हमें गाइज स्ट्रोक पर क्लिक करके ऑन कर देना है। तो इसके बाद गाइज फिर से हमें इधर साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलेगा शैडो, तो इसको शैडो को ऑन कर देना है एंड इसका कलर जो है इसको व्हाइट सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पर आप अपने हिसाब से इसको कम या ज्यादा कर सकते हो। तो गाइज इसके बाद फिर से हमें प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फ्रॉम गैलरी सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पर गाइज मैं एक फ्रेम को ऐड करने वाला हूँ और वो जो गाइज फ्रेम है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। ओके तो गाइज मैंने यहाँ पर फ्रेम को ऐड कर लिया है एंड इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा साइज का, तो यहाँ पर साइज पर क्लिक करके यहाँ पर ये जो साइज है इसको 100 कर देना, इससे जो है गाइज ये जो फ्रेम है ये एकदम चारों साइड में अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। तो इसके बाद गाइज फिर से इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ये जो बाकी दो फोटो है इनको भी लॉक कर देना। तो इसके बाद गाइज हमें यहाँ पर माइनक्राफ्ट का स्टिकर ऐड करना होगा और वो स्टिकर गाइज पिक्सआर्ट में आपको इजीली मिल जाएगा या फिर गाइज मैं ये जो माइनक्राफ्ट का स्टिकर है इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो गाइज इसको ऐड करने के बाद इसको गाइज ऐसे थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर बीच में आपको इसको सेट कर देना है। तो इसके बाद गाइज हमें यहाँ पर न्यू टेक्स्ट पर क्लिक करना है एंड इसको जो है साइड में लाना है एंड यहाँ पर एक ऑप्शन है एडिट, इस पर क्लिक करके यहाँ पर हमें लिखना है सर्वाइवल सीरीज। ओके तो गाइस सर्वाइवल सीरीज लिखने के बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलेगा कलर, तो कलर आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। ओके तो गाइस कलर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलेगा एबी फॉन्ट, तो यहाँ पर हमें इसका फॉन्ट लगाना है। तो मैं यहाँ पर गाइस माइनक्राफ्ट का फॉन्ट यूज कर रहा हूँ जो कि मैंने गूगल से डाउनलोड किया है क्योंकि गाइस ये जो है एक माइनक्राफ्ट का थंबनेल है इसीलिए मैं माइनक्राफ्ट का फॉन्ट यूज कर रहा हूँ। तो इसके बाद गाइस इसका भी आपको स्ट्रोक एंड शैडो को ऑन कर लेना है। तो इसके बाद गाइज हमें यहाँ पर इसको अच्छे से सेट कर लेना है जैसे यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। इसके बाद गाइज हमें फिर से टेक्स्ट पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर गाइज आप अपना सर्वाइवल सीरीज का एपिसोड नंबर दे देना, लाइक गाइज मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए 5 लिख दे रहा हूँ एंड इसके बाद गाइज इसको खींच के बड़ा कर लेना एंड इसके बाद गाइज आप इसका भी कलर फॉन्ट स्ट्रोक और शैडो ऑन कर लेना। ओके तो गाइज मैंने यहाँ पर इसका सब कुछ ऑन कर दिया है एंड इसके बाद गाइज इसको टेढ़ा करके साइड में कुछ ऐसे लगा देना है जैसे गाइज मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ एंड इसके बाद गाइज फिर से इस जगह पर क्लिक करके ये जो 5 है इसको हमें माइनक्राफ्ट और सर्वाइवल सीरीज के नीचे ला देना है। ऑलराइट गाइज तो यहाँ पर जो हमारा थंबनेल है वो बन के एकदम रेडी हो चुका है एंड इसके बाद गाइज हमें इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर गाइज ये जो है कस्टम होके रहेगा तो इसको हटा के लास्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है अल्ट्रा, अल्ट्रा पे कर देना है एंड यहाँ पर गाइज ये जो इमेज फॉर्मेट है इसको हमें पीएनजी पर सिलेक्ट कर लेना है और बस गाइज हमें यहाँ पर शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका जो थंबनेल है वो सेव हो जाएगा और यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत ऐड देखने को मिल सकता है। तो गाइज ऐड को आप कट कर देना और कट करते गाइज बहुत सारे ऐप आपके सामने ओपन हो जाएंगे, तो यहाँ से गाइज आपको पिक्सआर्ट सिलेक्ट कर लेना है। तो पिक्सआर्ट सिलेक्ट करते ही आपका जो थंबनेल है वो डायरेक्ट पिक्सआर्ट पे ओपन हो जाएगा। तो इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इफेक्ट्स करके, इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर हमें तीसरे वाले ऑप्शन पर आना है एफएक्स, इस पर जैसे हम आएंगे यहाँ पर हमें एक इफेक्ट देखने को मिल जाएगा HDR, इसको गाइज हमें सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पर गाइज आप लोग खुद देख सकते हो हमारा थंबनेल कैसा लग रहा है एंड गाइज अगर आप यहाँ पर बीच में क्लिक करोगे तो यहाँ पर गाइज आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो गाइज एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको राइट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है एंड ऊपर ही गाइज आपको डाउनलोड का भी ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके इस थंबनेल को सेव कर लेना है। एंड गाइज यहाँ पर आप लोग देखो ये इसमें मैंने इफेक्ट नहीं लगाया है लेकिन गाइज ये जो दूसरा वाला थंबनेल है यहाँ पर मैंने गाइज देखो तो इफेक्ट लगाया है और गाइज आप खुद ही इसमें डिफरेंस देख सकते हो। तो आई होप गाइज आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो जो घंटा है उसको भी ऑल पर सेट कर देना। तो गाइज मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।